Union Minister for Women and Child Development Asmriti Irani held a press conference and said that BJP won seats in Arunachal Pradesh, Goa and Rajasthan, which proves that people believe in PM Narendra Modi. Smriti Irani said, in Arunachal Pradesh, BJP has won 187 Zilla Panchayata out of 242 Zilla Panchayat seats. The party also registered victory in over 6,450 Gram Panchayats and in Pasighat Municipal Council elections where Congress won only 2 seats, as she added. इन सब में भारतीय जनता पार्टी के लिए अभूतपूर्व जीत दर्ज कराई है. आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब कार्यकर्ता इस जीत के लिए हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करते हैं. शुरू करें अरुणाचल प्रदेश से, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. हम सब के लिए ये आनंद का विषय है कि अरुणाचल प्रदेश में 22 दिसंबर के दिन वोटिंग के बाद अब तक 242 जिला पंचायतों में से भारतीय जनता पार्टी ने 187 में जीत दर्ज कराई है. मैं दोबारा कहना चाहूंगी, 242 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 187 में जीत दर्ज कराई है. वहीं साथ ही 6,450 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत हमारे मेंबर अरुणाचल प्रदेश में अब तक चुनकर आए हैं. भाजपा ने पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल में भी अपनी जीत दर्ज करा ली है. इसकी तुलना में इंडियन नेशनल कांग्रेस पासीघाट में 2 तक सिमट कर रह गई है और ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, उसका वही हाल है जितना उनके निवर्तमान अध्यक्ष का हाल अमेठी में हुआ. यह कहना उचित होगा कि मीडिया के कई मेंबरानों ने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश के कार्यकर्ताओं का संघर्ष देखा, रिपोर्ट किया. हमारे कई कार्यकर्ता वीरगति को प्राप्त हुए. कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार से, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक माहौल बनाया लोकतंत्र को कुचलने का, तब भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 8, 10 और 14 दिसंबर को जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ उसमें अपने कार्य के माध्यम से हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर किया. इसलिए आज हम उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का इस मंच से आभार व्यक्त करते हैं. गोवा में जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ उसने एक अनोखा इतिहास रचा. 48 सीट्स में से भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर जीती. आज दिल्ली में वो राजनीतिक दल जो दिल्ली का ही चक्का जाम कर बैठे हैं वो मात्र 1 सीट तक सिमट कर रह गए. आज प्रशंसनीय है भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 2020 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत को दर्ज कराया, यूपीपीएल और जीएसपी के साथ गठबंधन करके. देवी और सज्जनों, आपसे मैं विनम्रता से कहना चाहती हूं,